हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मूवी वेनम के रिव्यू, जो कि 2018 में रिलीज हुई है। पहली वेनम आपने देखा होगा स्पाइडरमैन 3 में। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है रुबेन फिशर ने, और इस मूवी में मेन स्टार कास्ट में है टॉम हार्डी, मिचेल विलियम्स और रिज अहमद। तो ये मेन स्टार कास्ट है, और ये मैंने आपको मूवी का पूरा नाम, डायरेक्टर, सब कुछ बता दिया। तो ये मार्वल और सोनी का शायद कंबाइंड मिक्सचर है। तो इस मूवी में आपको देखने को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इस मूवी में आपको ये देखने को मिलेगा कि वेनम की स्टार्टिंग कैसे हुई है। स्पाइडरमैन 3 में कुछ अलग तरीके से बताई गई थी। इसमें ये बताया गया कि स्पेस से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कुछ सैंपल्स लेके आ रहे हैं वेनम के प्लैनेट से, और वो यहाँ पे आते हैं, एयरप्लेन क्रैश कर जाता है उनका, लेकिन सैंपल बच जाते हैं, एक सैंपल कहीं और चला जाता है। ये सारी स्टार्टिंग में आपको 5-10 मिनट में पता लग जाएगा। तो वेनम की शुरुआत होती है, वेनम हमेशा होस्ट ढूंढता रहते हैं। जो भी वेनम है, वेनम मतलब उसका नाम वेनम है, लेकिन एक प्रजाति है जो किसी और प्लैनेट में, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स रहते थे, उनका अलग प्लैनेट था लेकिन वो धरती पे आ गए थे, किसी तरीके से उनका नष्ट हो गया प्लैनेट या कुछ, और उसी तरीके से वेनम भी यहाँ पे आया। उसकी और भी 2-3 जो सैंपल्स हैं उन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन वो डिफरेंट होस्ट ढूंढते हैं बॉडी के और उनको इकट्ठे करते हैं अपने आप से, वो उनको ढाल लेते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है अभी एक ही बंदे को एक होस्ट बॉडी अच्छी लग रही है तो दूसरे को दूसरी भी अच्छी लग सकती है। तो इस तरीके से वेनम की शुरुआत होती है, अपने अकॉर्डिंग होस्ट ढूंढते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और जो रिज अहमद है बंदा, वो एक जैसे विलन दिखाया गया, और उसमें वो करता क्या है, वैसे वो बोलता है कि हम कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें सैंपल्स इकट्ठे करने होते हैं, चाहे हम आउट ऑफ स्पेस से करें चाहे अर्थ से करें, वो ये चीजें बोलता है। लेकिन टॉम हार्डी एक ऐसा बंदा है जो सबकी पोल खोलता है। वो रिपोर्टर होता है पहले स्टार्टिंग में, लेकिन ये बंदे के कारण उसका जॉब भी चली जाती है, उसका सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो ये गुस्सा तो जायज है उसका, वेनम बन के फिर वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। अब ये चीजें मैंने आपको स्टोरी के बारे में बताई कि वेनम की शुरुआत क्या थी, वेनम कहाँ से आया, और दो वेनम है या एक वेनम है ये आप देखोगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको ये इसमें मतलब जो इंग्लिश मूवीज होती हैं, जो ये सुपर हीरो मूवीज होती हैं, इसका हम यूनिवर्स देखते हैं कि कैसा इसका यूनिवर्स। ऑलमोस्ट ज्यादातर मूवी नाइट में ही है। सबसे बड़ी बात इसमें आजकल बाइक्स का दौर बहुत ज्यादा है, लोग बाइक्स को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो। इस मूवी में भी डुकाटी की एक बाइक दिखाई गई है जो कि बहुत ही मजेदार है। पहले टॉम हार्डी खुद ड्राइव करता है स्टार्टिंग में, उसके बाद जब उसमें वेनम आ जाता है उसकी बॉडी को होस्ट कर लेता है, फिर वेनम और टॉम हार्डी दोनों ड्राइव करते हैं। उसमें बहुत ही मजेदार, यानी कि उन्होंने शूट किया बहुत ही मजेदार, उसमें स्टंट्स हैं, कभी नीचे से जा रहे हैं तो वेनम उसकी हेल्प कर रहा है, कभी हाथ लंबा करके कभी उसको जंप करवा रहा है, तो ये सारी चीजें आप उसमें देखोगे। दूसरी चीज, आजकल DJI मैविक या काफी सारे ड्रोन्स आ गए हैं, तो ड्रोन्स भी बड़े मस्त दिखाए गए इस मूवी में, क्योंकि वो उस बाइक को ट्रेस करते हैं। जो रिज अहमद है वो अपने बंदे भेजता है कि वेनम को पकड़ के लाओ, तो ड्रोन्स वगैरह काफी ज्यादा उनको कैप्चर करते रहते हैं। तो बड़े मजेदार ये उन्होंने यूनिवर्स दिखाया, और ऑलमोस्ट नाइट में सारी चीजें दिखाई हैं। तो नाइटिंग यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को जो दिखाया गया उन्होंने यूनिवर्स में, तो वो बहुत ही मजेदार लगता है सारी चीजें, तो देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है इस मूवी में, क्योंकि मार्वल की बाकी मूवीज की तरह इसमें उतना हंसी मजाक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, जब टॉम हार्डी और वेनम आपस में बातें करते रहते हैं और दूसरे लोग उनको देखते हैं, तो वहां पे यानी कि थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करता रहता है। तो ये सारी चीजें बीच में चलती हैं। एक्टिंग सबने मस्त की है, टॉम हार्डी ने बड़ी मजे की, स्प्लिट पर्सनैलिटी या होस्ट बॉडी और वेनम दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होती हैं तो काफी मजेदार है। मिचेल विलियम्स जो कि ऑस्कर अवार्डेड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया, और उसके बाद तीसरा रिज अहमद, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन और भी ज्यादा मजेदार हो सकता है। जैसे जैसे बंदा बहुत ज्यादा मूवीज करता रहेगा उनकी एक्टिंग और अपीयरेंस ऑन स्क्रीन बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको सब कुछ बताया इसके मूवी के बारे में कि आपको क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं। अगर आप फाइटिंग के ज्यादा फैन हो तो इसमें फाइट्स 2-3 फाइट्स हैं। एक तो एंड में होती है, वो मतलब धुंधली सी फाइट होती रहती है, पता नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा फास्ट हैं, और वेनम कभी इधर फैल रहा है दूसरा वेनम और उसका विलन इधर फैल रहा, तो मतलब VFX का तो ना पूछो ना बुरा हाल ही कर देते हैं, पता नहीं लगता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही ज्यादा घाव आ जाते हैं उस चीजों से। और तीसरी बात ये कि एक लड़ाई होती है जो नॉर्मल ह्यूमंस और वेनम के बीच में, उसमें सब कुछ धुंधला कर देते हैं, जो आंसू गैस के गोले होते हैं वो छोड़ देते हैं, ऐसी चीजें, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगी। और इसका जो एंड में क्रेडिट सीन होते हैं मार्वल मूवीज के, तो वो मत आप देखना बोलना, उसमें 2 क्लूज हैं
जो आप मूवीज में देख लेना, बैठे रहना, कोई बात नहीं, जब तक मूवी एंड नहीं हो जाती, पूरा बोल नहीं देते, आप थिएटर से चले जाओ तब तक आप देखते रहना। तो मैं ओवरऑल एंटरटेनमेंट और सब कुछ को दूंगा इसको मूवी को 3 स्टार। और अगर आप बहुत ज्यादा फैन हो वैनम के तो डेफिनेटली फिल्म देखने जाओ। अगर आप बोलते हो उन्हें टाइम पास करने जाना तो भी जा सकते हो। अगर आप सोचते हो यार मूवी देखनी है या नहीं देखनी तो मत देखो, कोई बात नहीं, एक आधी मूवी स्किप भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए वीडियोस को, और प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं हमेशा वहां पे बताता रहता हूँ कौन सी मूवी मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।